आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और वो भी बहुत आसानी से बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम गेहूं आटे से केक बनाएंगे, वो भी बिना ओवन माइक्रोवेव के बिना बनाएंगे। तो मैंने पतीला को गरम होने के लिए रख दिए हैं गैस पर, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी हम केक बनाने के लिए जल्दी जल्दी से बैटर की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 कप दूध डालेंगे ये बाउल में, और इसमें डालेंगे अब चीनी। गरम दूध लिए हैं, चीनी 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं, करीब 1.25 कप। यदि आप पिसी हुई चीनी यूज कर रहे हैं तो गर्म दूध लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत आसानी से आपको बताने जा रही हूँ ये केक, इसीलिए मैंने चीनी लिए हैं और गर्म दूध में डाल देंगे तो पिघल जाएगी तब तक ये चीनी। जब तक हम केक के लिए दूसरी तैयारी करेंगे तब तक ये पिघल जाएगी, तो इस तरह से इसे मिला लेते हैं थोड़ी देर ताकि जल्दी से मिल जाए। तो अब ये मिल चुकी है, अब हम साइड कर देते हैं इसे और केक बनाने के लिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम केक बनाने के लिए केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं तेल से, और इस तरह का बटर पेपर को इस तरह से काट लिए हैं, देखिए इस साइज का। यदि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। इस तरह तेल से ग्रीस करने के बाद केक टिन को मैदा से डस्ट कर लीजिएगा, तो बटर पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से पूरे टिन में इस तरह से ब्रश से अथवा हाथों से भी लगा सकते हैं। तेल से ग्रीस कर लिए केक टिन को, अब इसमें बटर पेपर जो काट कर रखे हैं इस तरह से चिपका देते हैं। अब इसे साइड कर लेते हैं। तो अब केक के लिए बैटर बनाएंगे, तो सबसे पहले एक बाउल लेंगे, अब इसके ऊपर एक छलनी डालेंगे जो हमारे घर में हो, और इसमें डालेंगे अब गेहूं के आटे। तो 1 कप मैंने डाल लिए, अब 1 कप और डालेंगे। तरह का कप ना हो तो कोई बात नहीं, आप 1 कप घर में जो नॉर्मल कप होते हैं अथवा कटोरी होते हैं 1 कप कटोरी से मेजरमेंट कीजिएगा सारे चीज़ें। तो अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। इतने आटे में मैं 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालूंगी और 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, तो आप इसी तरह से लीजिएगा। तो आप इसे इस तरह से छान लेंगे, एक बार आटा को छान लिए हैं, एक बार और छान लेंगे तो अच्छी तरह से बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से मिल जाएंगे आटा में। तो और छान लेते हैं एक बार इस तरह से, बड़े प्लेट में डालकर छान लेंगे। तो छान लिए हैं देखिए 2 बार। अब हम इस बॉल में दूध और चीनी डाल कर रखे थे, इसे इस तरह से मिला लेते हैं। एक दूध ठंडा भी हो चुका है, गर्म दूध नहीं डालना है हमें। तो अब इसे डाल लेते हैं और डालकर इसे मिलाएंगे। तो इस तरह से थोड़ी देर मिला लेते हैं। इस बैटर को हल्के हाथों से मिलाएंगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से जल्दी जल्दी नहीं मिलाएंगे, नहीं तो केक हमारा नहीं फूलेगा। अब इस बैटर में 1/2 कप दूध और 1/2 कप सनफ्लावर ऑयल मिला लेते हैं। आप चाहे तो ऑयल की जगह बटर अथवा घी डाल सकते हैं। तो दूध और तेल डालकर मिला लिए हैं, टोटल 1.5 कप दूध यूज किए हैं इसमें। तो अब 3-4 इलायची को कूट कर रखे हैं वो डाल लेते हैं, और 1/4 छोटी चम्मच वेनिला एसेंस। यदि वेनिला एसेंस आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इलायची पाउडर से ही काम चल जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच लेमन जूस, तो इस तरह से इसे डाल लेते हैं। फिर बैटर को एक हल्के हाथों से मिला लेंगे, देखिए लेमन जूस डालते ही कितना फ्लॉपी हो गया है बैटर। अब हम इसे फटाफट से केक टिन में जो हम तैयार करके रखे हैं उसमें डाल लेंगे, बिल्कुल लेट नहीं करेंगे इसे डालने में, और जल्दी से चलेंगे बेक करने के लिए। इस तरह से 1-2 बार केक टिन को खटखटा देंगे ताकि एयर बबल भी निकल जाए और एक सर भी हो जाए। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं पतीले गर्म होने के लिए गैस पर रखे हैं। आप चाहे तो कोई कढ़ाई भी ले सकते हैं, कुकर भी ले सकते हैं, जिसमें आप केक का बैटर रखे हैं वो बर्तन हटना चाहिए। अब इसे हम खोलकर देखते हैं क्या क्या रखे हैं इसमें। इस बर्तन को 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखे थे गर्म होने के लिए, अभी गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखे हैं ताकि हाथ जले ना। इस वक्त बर्तन को सावधानी से छोइएगा, बहुत गर्म होता है। देखिए मैंने इसके नीचे 2 कप यूज किया हुआ नमक डाले हैं, जिसे मैंने बार बार यूज किए हैं इसी तरह के काम में, और फिर से यूज कर सकते हैं। और एक स्टैंड रखे हैं जिस पर हम गर्म बर्तन वगैरह डालते हैं, वही स्टैंड लिए हैं। और अब इस केक टिन को सावधानी से ऐसे डालेंगे जिससे हमें हमारा हाथ जले ना, और इसे ढक देते हैं और लो फ्लेम पर ही
30 से 35 मिनट पकाएंगे। और अभी शुरू में गैस का फ्लेम मीडियम कर लेते हैं 3 मिनट के लिए और फिर लो कर लेंगे। 25 मिनट के बाद केक को चेक करेंगे खोलकर कि हमारा केक का स्थिति कैसा है। तो 25 मिनट हो चुके हैं, केक को चेक करते हैं। देखिए कलर अच्छा आया है केक का। अभी और पकेगा एक केक, अभी पकना बाकी है। तो इस वक्त मैं डालूंगी थोड़ा सा कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स, जो आपके घर में अवेलेबल हो तो डालें, नहीं तो इसके बिना भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा एक स्प्रिंकल्स डालेंगे, इजीली मिलता है ये बाजार में, जिससे खूबसूरत दिखेगा हमारा केक। और इस वक्त इसीलिए डाले हैं कि चिपक भी जाए और नीचे तक नहीं जाए, टिका रहे ऊपर ही। तो अब इसे ढक देते हैं और 5-7 मिनट और पका लेते हैं लो फ्लेम पर ही। तो केक को 5-7 मिनट पका लिए हैं फिर से। अब फिर से चेक करते हैं केक को, तो सावधानी से छोएं, बहुत गर्म होता है बर्तन। देखिए कितना अच्छा आया है कलर केक का, और केक लग रहा है पक गया है, बर्तन भी छोड़ दिया है साइड से, देखिए। तो चेक करते हैं एक फॉर्क से अथवा एक चम्मच के नीचे से, देखिए कितना क्लीन आ रहा है चम्मच। यदि केक पका नहीं होता तो इसमें चिपकता। तो हम अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर हम निकालेंगे इसे। तो देखिए केक ठंडा हो गया है थोड़ा सा, अभी भी वैसे गर्म है, छुपा रहे हैं। तो अब इस तरह से चाकू से चारों तरफ केक के किनारे इस तरह से अलग कर लेंगे। अब एक प्लेट की सहायता से इसे पलट लेंगे, देखिए इस तरह से, इस तरह से। इसे भी हल्के हाथों से निकाल लेते हैं और इसे भी हल्के हाथों से निकालेंगे, नहीं तो गर्म है अभी केक, टूट जाएगा। यदि आपको जल्दी ना हो तो केक को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही निकालिए, तो टूटेगा नहीं। तो देखिए मैंने केक को निकाल लिए हैं, अब इसे इस तरह से फिर से पलट लेते हैं। अभी भी गर्म है केक और स्पंजी भी है बहुत, तो टूटने की संभावना है। भी मुझे आपको दिखाने की जल्दी है इसीलिए मैंने गर्म में निकाले हैं, आप पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही निकालिएगा केक को। देखिए थोड़ा चरक भी गया है जल्दी करने से, आप पूरी तरह ठंडी होने के बाद ही केक को निकालिएगा। चलिए मैं आपको केक काटकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक बना है, बहुत ही स्पॉन्जी है। खाने में तो इतना टेस्टी होता है ये केक कि आप बनाकर खाइएगा तभी पता चले। और इसे बनाना भी कितना आसान है ये तो आप देखा ही। तो आप इसे जरूर बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।